अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और मेरे साथ एक ऐसा मजबूर शख्स मौजूद है जिसका नाम है नसीर अहमद और इसकी बेगम को घर से दो ख़वातीन अगवा करके ले गई और पुलिस कितना सपोर्ट कर रही है इनको इस मामले में, वो भी इनसे जानेंगे और पहले इनसे पूछेंगे कि कैसे जो है इनकी बेगम जो है अगवा हुई। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम जी। अच्छा ऊंचा बोलेंगे, मुझे ये बताएं कि कैसे आपकी जो है बेगम घर से अगवा हो गई। घर से ऐसे गायब हो गई, दो औरतें घर पर आई हैं, छोटे भाई दरवाजा खड़काया, छोटे भाई ने दरवाजा खोला, दरवाजे खोलने के बाद उसने पूछे कौन है, उसने बोला जी आई सफिया को मिलना। उन्होंने छोटे ने बोला भाभी अभी को, भाभी दो औरतें मिलन के अंदर आ जाए, अंदर आई हैं। छोटा भाई को भाभी जी ने बोला खाना लेके, कुछ शह लेके खाने वास्ते, और लेने गया। वापसी घर पर आया ना भाभी ना औरतें ना पैसा ना जेवर। अच्छा आपका जेवर भी गया, आपके पैसे भी गए उसमें, कहीं आपकी बेगम इसमें इन्वॉल्व तो नहीं थी? नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये औरतों का पता या बेगम को पता? बेगम को पता है, लेकिन नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, पुलिस को आपने रिपोर्ट ज़ाहिर लिखवाई होगी, तो पुलिस कितना इस मामले में आपको सपोर्ट कर रही है? पुलिस बहुत काम कर रही है मरन की। कह रहे कह रहे जी जानते हैं, कहना मुजरम तो ही पेश करो, अं कितने किधर से पेश करी मुझे? वो कह रहे मुजरम आप लाओ। हाँ अं किधर से लाए? तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस कहने जी इधर आता है आदमी, एक रेट मारा उधर से आदमी पकड़ा, इधर से आगे छोड़ दिया। अच्छा एक मुजरम पकड़ा हुआ उसको 6 दिन बाद जेल में भेज दिया ना। अच्छा, एक पकड़ा भी था। हाँ जी, उसने कबूल भी किया था, कबूल भी और उसे जेल भेज दिया। जेल भेज दिया, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं? हुई नहीं, उसने बोला मेरे साले के साथ है, मुझे नहीं पता किधर किधर नहीं। तो आपकी बेगम काम क्या करती थी? दर्जन के कपड़े सिलाई करती, घर कपड़े घर में सिलाई। हाँ जी। तो उन खवातीन को देखें, पहले नाम भी पता था आपकी बेगम का ना? हाँ जी नाम भी पता है। ये पूरी कोई गेम हुई है? हाँ जी पूरी गेम, हमारे साथ है घर के साथ, एक मसाई रहती है उसके साथ उसकी गलबात है, अभी पहचान भी ली है, उससे शक बैठाया, उसने मान लिया हमारे भाई के साथ है। अच्छा इन्वॉल्व किया उसने, कहा कि हमारे भाई के साथ? नहीं, तो भाई के साथ है, और पुलिस उसका भाई को नहीं पकड़ रहा, नहीं औरत को पकड़ रहा। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि जो जिस खातून पे शक था वो कह रही है कि हमारे भाई के साथ इसकी बेगम है, और बाद ही इनके घर से जेवर तक उठा के ले गई है। जेवर और क्या क्या लेके गई है? पैसे 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया और जेवर? हाँ जी 2 तोले जेवर 2.5 लाख रुपया। तो पुलिस इनको ये कह रही है कि यार आप मुजरम ले आएँ, या फिर ये कि कार्रवाई हो रही है, या फिर वही जो पुलिस के जो रवायती चीज़ें होती हैं वो हो रही हैं, बिल्कुल इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो आप किस से अब वज़ीर आला पंजाब से क्या रिक्वेस्ट करते हैं? नहीं वज़ीर आला यही करते हैं, उन्होंने साफ चाहिए इंसाफ इस गल का, मेरी बेगम मेरे सामने। बेगम चाहिए, पैसे चाहिए? पैसे भी मिल जाए, बेगम भी मिल जाए, दोनों शायद मिल जाए। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आपको बेगम भी मिले और पैसे भी मिले। जी तो क्यों पुलिस हमारे साथ तावड़ नहीं कर रही, डेली बोलते चक्कर लगाओ, आओ सुबह आओ शाम को। नाज़रीन की बेगम अगर किसी ने देखी हो कहीं, कोई नज़र आ जाए, तस्वीर एक चल रही है, तो अगर आपको ये नज़र आ रही है तो इस इनका ही नंबर है, इस नंबर भी लग रहा है यहाँ पर, इस नंबर पर रब्ता करके आप इनको बता सकते हैं कि ये नंबर आपको, आपके पास उस बंदे की भी तस्वीरें हैं कहीं की जो जिसका वो बताया कि किस बंदे के साथ? नहीं तस्वीरें हमारे पास कोई नहीं। तस्वीरें नहीं है? नहीं। चलें खैर इनकी बेगम की तस्वीर चल रही है, अगर इस तरह की शक्ल की कोई भी खातून आपको नज़र आए तो इस नंबर पर रब्ता करें और इनको क्या करें। उसके ये लड़के की आईडी कार्ड की तस्वीर रहेगी। आईडी कार्ड की है? हाँ जी आईडी कार्ड की तस्वीर भी, ये उस लड़के की भी चल रही है, ये भी कहीं नजर आए तो इनको बताना है। ठीक है भाईजान? ठीक है मेहरबान। और बाकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये वज़ीर आला पंजाब से जल्द जो इनकी बेगम और इनका पैसा और इनका सोना जो है वो वापस लौटाया जाए। फिलहाल मुझे और इन भाई को इजाज़त दें, फी अमान अल्लाह।